मस्तूरात के लिए तरावी की नमाज का कुछ इंतजाम कर सकते हैं? जी हाँ, मस्तूरात के लिए सबसे बेहतरीन शक्ल तो यह है कि मस्जिदों में इस चीज का इंतजाम किया जाए कि औरतें भी तरावी और पांच वक्त की नमाजें और जुमा इसका एहतमाम मस्जिद में ही करें, यह ज्यादा बेहतर है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होता था। लेकिन उन तमाम शराइत की रियायत के साथ, इख्तलात ना हो, बेपर्दगी ना हो, बेहयाई ना हो, ये तमाम चीज़ों के शराइत के साथ ज्यादा बेहतर यह है कि मस्जिदों में एहतमाम हो। मस्जिद में नहीं हो सकता है तो फिर जो है मस्तूरात की जमात बनाई जा सकती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी इसकी गुंजाइश है, अहनाफ के नज़दीक भी, अगरचे बाज़ हज़रात ने इसको मकरूह लिखा है लेकिन बहरहाल उसकी गुंजाइश है। तो इस तरीके से औरतों की जमात बनाई जा सकती है और उसमें तरावी का एहतमाम किया जा सकता है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखें कि औरतें बहुत दूर से जो है एहतमाम के साथ वहां पर ना आए, आसपास की औरतें, चंद घरों की औरतें जमा होकर तरावी का एहतमाम करें, तो इससे एक दूसरे को तरगीब होती है, तो ऐसा करना ज्यादा अच्छा है। आखिरी दर्जे में कम से कम यह है कि औरतें इनफरादी तौर पर तरावी का एहतमाम करें। उम्मीद है इंशाल्लाह ये तमाम चीजें हमारे लिए मुफीद और कारगर होंगी।